जिला कुल्लू ब्लॉक के पंचायत पार्षदों ने ढालपुर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के कार्यों को सही तरीके से निपटाने के लिए NMMS प्रणाली पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। इसमें मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत वार्ड सदस्यों को ऑनलाइन हाजिरी देनी पड़ती है और मनरेगा के तहत कितना कार्य हुआ उसका ब्यौरा भी देना पड़ता है, लेकिन जिला कुल्लू के ब्लॉक के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया है। कुल्लू ब्लॉक के सदस्य राजेंद्र कुमार ने बताया कि जिला कुल्लू के अंतर्गत नगर खंड, बंजार खंड और आनी खंड की बैठक आयोजित हुई है। उसी प्रकार से जिला कुल्लू में भी नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी का वे कड़ा विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधान, उप प्रधान की तरह उन्हें भी फिक्स भत्ते दिए जाए। जैसे हम सब जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास खंड कुल्लू की भी, जैसे हर जगह कोई नगर ब्लॉक की मीटिंग हुई कुल्लू जिला में, जैसे बंजार ब्लॉक हो गया आपका, आनी ब्लॉक, सब जगह नगर ब्लॉक में भी जैसे गठन हुआ है, वैसे हमने भी आज यहाँ शुरुआत की है। हमने भी गठन किया आज कुल्लू ब्लॉक के जितने भी वार्ड मेंबर हैं, हम जो है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका, जो ऑनलाइन हाजिरी है इसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं जैसे जो वार्ड मेंबरों के साथ जो सरकार जो ये जो खेल खेल रही है जो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम जो सरकार से एक ही मांग करते हैं, जैसे प्रधान और उप प्रधानों की तरह हमको भी फिक्स भत्ता किए जाए। जैसे हम जैसे कोरम को जाते हैं, कोरम को जैसे हम अगर वार्ड पंच अगर कोरम को जाता है तो उनकी हाजिरी लगती है, उनको भत्ता मिलता है, अगर नहीं जाते हैं तो उनका भत्ता काट दिया जाता है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम जो है तो हम कुल्लू ब्लॉक वाले इकट्ठे होने आज, जैसे जिला कुल्लू के जितने भी हम वार्ड पंच हैं, हम सब जगह से कोशिश करेंगे, जितने भी चार ब्लॉक है हमारे, सब ब्लॉक के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके हम ये मांग सरकार से भी रखेंगे, हमारे को प्रधान और उप प्रधानों की तरह फिक्स भत्ता किए जाए। बस हमारे ऊपर वार्ड पंचों के ऊपर जिम्मेवारियाँ ज़्यादा है, ये 300 रुपये से क्या गुजारा होता आपको पता है। ऐसे नहीं, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि प्रधान उप प्रधानों की तरह हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रधानों के बराबर हमारे को भी भत्ता किया जाए। 450 वार्ड पंच है, ये सब से संपर्क नहीं हो पाया, अगली मीटिंग को हम कोशिश करेंगे कि सब जितने भी ज़्यादा वार्ड मेंबर हैं सबको इकट्ठा होकर हम डी सी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, डी सी साहब के माध्यम से जयराम जी को हम ये अपनी जो मांग है उसको ज्ञापन सौंपेंगे। हम थोपी है ना जी, ये जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम वाली, वो कईयों के पास, कई हमारी माँ बहन हैं या कोई भाई है हमारे गरीब आदमी है, उनके पास एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है, वे मोबाइल नहीं है, या कई हमारे को तो इवन मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को तो ये चलाना नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं या तो हमारे को ट्रेनिंग दी जाए ये जो ऑनलाइन हाजिरी की, या तो फिर इसको बंद ही किया जाए। सरकार के खिलाफ हम सड़क पर उतर जाएंगे। वहीं पंचायत सदस्य शीला बोध ने बताया कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत पंचायत सचिव को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनका भी मानदेय बढ़ाना चाहिए, ऐसे में मनरेगा के कार्य के चलते पूरा महीना भी लगता है। मोबाइल जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो है, उसमें जो है बड़ा वो जो प्रॉब्लम जो है नेटवर्क का भी है, कहीं जो है हमारे पहाड़ी इलाकों हैं वहाँ पे जो है नेटवर्क कम भी है, और इस तरह जो है काम करने में भी दिक्कत रहेगी। थैंक यू। मानदेय वाला सर जरूरी है, मतलब क्योंकि सभी का हो रहा है तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हमारे जो 2 दिन की हाजिरी लगती है, हमारा जो मनरेगा का है जो पूरा महीना भी लग जाता है कागजी कार्रवाई वगैरह में, तो मेरे हिसाब से मानदेय जो है हमारे को कम है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।